अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल की मूंगचियां। ये बहुत स्पेशल डिश है और इसके लिए हमें क्या करना होता है, मूंग की दाल आप मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है और उसको धो के अच्छी तरह साफ करके धो के और उसको 3 घंटे के लिए भिगा दिया। जब वो भीग गई तो उसको मैंने कम पानी डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। अब ये इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा बेकिंग सोडा, सिर्फ ये भीगी हुई और ग्राइंड हुई हुई दाल है, इसमें कुछ भी नहीं डाला। और बेकिंग सोडा के बाद जाएगा इसके अंदर 2 टीस्पून भर के बेसन, बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा। ये जो है ये लहसुन है और अदरक आधा इंच, अदरक आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा कर लें, अदरक का पीस था और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ थीं और 2 दालचीनी की स्टिक, यानी 1-1 इंच की कर ले, 2 दालचीनी की स्टिक थी और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। अदरक, लहसुन और दालचीनी की स्टिक। दालचीनी मूंगचियों में बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप करती है, इसलिए इसके अंदर दालचीनी बहुत ज़रूरी है। इसमें भी जाती है दालचीनी और मसाले में भी। और अब जो है तो इसके अंदर छोटी, बहुत छोटे साइज की एक प्याज जो बहुत फाइन चॉप की हुई है वो मैं डाल रही हूँ। अब इसमें हम सुरख मिर्चें नहीं डालेंगे, ये हरी मिर्चें हैं जो सुरख हो जाती हैं। गर्मियां हैं, ज़ाहिर है टोकरी में बड़े बड़े सुरख हो जाती हैं, लेकिन सुरख होने के बाद भी इनका टेस्ट हरी मिर्चों जैसे ही होता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर ये हरी मिर्चों का पेस्ट डालूंगी, कम से कम 3 चम्मच। ये बाकी जो बच गया है ये हम मसाले में डालेंगे, इसके अंदर हम दूसरी मिर्चें नहीं डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे हल्दी, ये इसमें इतनी हल्दी डालेंगे। और इन सबको हम अच्छी तरह, बेसन इसलिए 2 टीस्पून मैंने डाले हैं कि इसकी, यानी एक तो जायका बहुत अच्छा होता है, ज़ाहिर है वो भी चने की दाल है, और दूसरा ये कि अगर ना डालना चाहे कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी प्यारी हो जाती है। और सोडा, बेकिंग सोडा 1-2 पिंच इसलिए डाला है कि उससे थोड़े ऐसे ये सॉफ्ट बन जाते हैं। तो अब मैं ये इसको फ्राई करके फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको बस आप स्पून से पकौड़ों की तरह डालते जाएं और थोड़ा सा नॉर्मल फ्लेम पर इसको गोल्डन सा कर ले और बस इसको फिर निकाल के ठंडा होने रख दें। अच्छा जी, ये मैंने इधर उधर साथ साथ मुंगचियाँ भी तल रही हूँ मैं, और साथ मैंने सोचा कि मसाला भूनने रख देते हैं। तो ये ऑयल मैंने इसमें आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल दिया है, और इधर मैंने तड़के के लिए रखा है कड़ी पत्ता, थोड़ा सा साबुत धनिया, मेथी दाना, थोड़ी सी अजवाइन और ज़ीरा, ये तड़के में जाएगा। इसके बाद मसालों में है कसूरी मेथी, हल्दी, धनिया, नमक और मिर्ची हसबे जायका, और 1 बड़ी प्याज इधर जो है तो मैंने इसको ग्राइंड की हुई है, 3 बड़े टमाटर इधर मैंने ग्राइंड किया हुआ है, और ये अदरक नहीं है इसमें, लहसुन और क्या है दालचीनी के 1-1 इंच के 2 से 3 टुकड़े मैंने इसमें ग्राइंड किए हुए। अब ये ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें ये तड़का डालते हैं। ये थोड़ा सा हो जाए तो फिर हम इसके अंदर, बस इतना हो जाए कि थोड़ी सी खुशबू इन मसालों की, इस तड़के की ऑयल के अंदर रच बस जाए, तो हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन और दालचीनी का पेस्ट। इसके बाद डालेंगे हम इसको अंदर, ये थोड़ा सा इसको चला लें, थोड़ा सा ये ऑयल के अंदर मिक्स हो जाए, तो फिर इसके अंदर मैं डालूंगी किसी भी प्याज का पेस्ट, ओह सॉरी प्याज का पेस्ट, ठीक है ये भी इसमें जाएगा। और ये याद रखें, प्याज जो है तो ये भुनने में थोड़ा टाइम लेती है, और जब तक इसकी स्मेल नहीं ख़त्म हो जाए आपने भूनना है, ठीक है। इस टाइम हम इसके अंदर ये सारे मसाले भी डाल देंगे ताकि ये प्याज और लहसुन और दालचीनी के साथ अच्छी तरह फ्राई हो जाए। फिर ये जब फ्राई हो जाएंगे हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर सारे, और टमाटर का पेस्ट जो बनाया है वो डालेंगे, और जब भुनने के करीब आ जाएगा तो उसमें वो थोड़ा सा जो हरी मिर्चों का बचा हुआ पेस्ट है, जो हरी मिर्चें मैंने सुरख रंग की उसमें पीसी थी,
मूंगियों के लिए वो पेस्ट भी फिर हम जब ये भुन जाएगा उस वक्त वो डालेंगे। मसाला भून के तो फिर टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए थे, टमाटरों का पेस्ट। और उसके बाद जब वो भी थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया था तो मैंने इसके अंदर सुरख हरी मिर्चों का जो थोड़ा सा बचा हुआ पेस्ट था वो भी डाल दिया था। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि उस वक्त मैंने मूंगियों के अंदर मूंगियों का पेस्ट बनाते हुए मैंने नमक आपको बताना भूल गई थी, लेकिन मैंने खुद नमक डाला था। तो ऐसा ना हो कि आप लोग नमक ना डालें कि बताया नहीं था रेसिपी में नमक नहीं है, तो आप लोग ऐसा ना हो, मैंने तो डाल लिया था, मुझे याद आ गया था। तो आप लोग ज़रूर नमक मूंगियों में ऐड करें। अब देखें कि मसाला तकरीबन भुनने वाला है। इसके बाद ये इधर मूंगियाँ तैयार हो गई हैं और इनको मैंने थोड़ा सा रखा है कि थोड़ी सी इसकी गर्म हवा, गर्मी और भाप वगैरह इसकी निकल जाए, तो फिर इसके अंदर हम पानी डाल के, तो जब पानी में उबाल आएगा तो फिर हम मूंगियाँ डाल देंगे। कम से कम इसके अंदर 3-3.5 गिलास पानी जाएगा, ठीक है, क्योंकि मूंगियों ने भी इसी शोरबे में नरम होना है। अब ये पानी में बॉयल आएगा, बॉयल आने के बाद हम इसमें मूंगियाँ डालेंगे। बन गई है, तैयार हो गई मूंगियाँ। इसमें थोड़ा सा पानी एक्सेस आपने रखना है, क्योंकि ये घंटे डेढ़ तक पकने के बाद भी ये पानी एब्जॉर्ब करती हैं। मैं थोड़ा सा इसमें इस टाइम पिसा हुआ गर्म मसाला छिड़क रही हूँ, लेकिन ये होती बहुत जायकेदार है, इसकी गारंटी आप मुझसे ले लें, ठीक है। और गर्म मसाला डालने के बाद इसमें अब जाएगा, अब देखें ऑयल किनारों पे, देखें ऑयल छोड़ दिया उसने। अच्छा, इसके अंदर अदरक लहसुन, ओ सॉरी हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया भी ऐड करेंगे। बस इसको डिश आउट करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और ये भी आपको मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी, कैसी लगी आज की आपको रेसिपी? ये डिश आउट हो चुकी है और यकीन जाने ये ख़ास तौर पर उर्दू स्पीकर्स बहन भाई जो हैं तो वो बहुत शौक से और बहुत अच्छे, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी वो लोग बनाते हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी होती है, मेरे घर में सबको पसंद है। और ये उन्हीं लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ जिनको ये बनाना नहीं आती, ठीक है ना। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करें और इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको इस कोरोना से अपनी पनाह में रखें और इन रोज़ों को, इन इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। अल्लाह हाफिज़।